गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीकॉम सेमेस्टर 5 इंग्लिश मीडियम। डियर स्टूडेंट, इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी कैलकुलेट एग्जांपल नंबर 15 एंड आई होप कि यू मेक द प्रैक्टिस एट होम एंड क्लियर योर कंसेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडे लेक्चर I choose example number 18, Jogi Limited and Vijogi Limited. So, this is also one of the important example from unit number 3. So, I request to all the students, please make practice at home to this example twice, three times, four times, whenever not clear your concept. Okay, dear students, I read the information related to our example. The example number 18, Jogi Limited and Vijogi Limited were amalgamated on 1st April 2012. A new company, Sanjog Limited, was formed to take over the business of existing companies. The balance sheet of Jogi Limited and Vijogi Limited as on 31st March 2012 are as under. Friends, on liability sides, Jogi Limited and Vijogi Limited. The equity shares of rupees 10 each fully paid 8,50,000, 7,25,000. 40% preferences of rupees 100 each fully paid 3,20,000, 1,75,000. Revaluation reserve 1,25,000 and 80,000. General reserve 2,40,000, 1,60,000. Investment allowance reserve 50,000 and 30,000. Profit and loss account 75,000, 52,000. 12% debenture of rupees 100 if each 50,000 and 28,000. Public deposit 25,000. Creditors 1,45,000 and 75,000. Bills payable 20,000. Total both the company 19 lakhs and 13,25,000. Now on asset sides, land and building 4,60,000, 2,75,000. Plant and machinery 3,25,000, 2,10,000. Investment 75,000, 50,000. Stock 3,25,000, 2,69,000. Debtors 3,05,000, 2,70,000. Bills receivable 25,000. Cash and bank 3,85,000, 2,51,000. Total both side 19 lakhs and 30,25,000. Now other information. So number one, 12% debenture holders of Jogi Limited and Vijogi Limited are discharged by issuing such number of its 15% debentures of rupees 100 each to maintain the same amount of interest. Means कि हमें जो हमारी नई कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं कि जिनके डिबेंचर जो जोगी और विजोगी जिनके डिबेंचर 12% के, अब उनको हमें 15% के डिबेंचर देने हैं, लेकिन इस तरह से देने हैं ताकि उनको जो इंटरेस्ट मिल रहा है पुराने डिबेंचर्स पे उसका लॉस ना हो। सेकंड, प्रेफरेंस होल्डर्स ऑफ टू कंपनीज आर इश्यू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ संजोग लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 1,25,000 पर शेयर फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो प्रेफरेंस है उसको इक्वल नंबर पे, यानी कि जो पहले थे वही उनके जो पुराने जो शेयर है प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे वही शेयर उनको वापस देने हैं, लेकिन उसकी प्राइस यहाँ पे 100 थी, हमें वहां पे 125 यानी कि 100 प्लस 25 प्रीमियम के साथ उसको ऑफर करना है। थ्री, संजोग लिमिटेड विल इश्यू टू इक्विटी शेयर्स for each 5 equity shares of Jogi Limited and 3 equity shares for
each 10 equity share of Vijogi Limited, the shares are to be issued at rupees 35 each, having face value of rupees 10 each. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो हमारी नई कंपनी स्टार्ट करने वाले संजोग, तो हम क्या कर रहे हैं कि जोगी लिमिटेड के जिस शेयर होल्डर के पास 5 शेयर है उसे हम संजोग के 2 शेयर ऑफर करेंगे, और विजोगी में जिसके पास 10 शेयर है उसको हम 3 शेयर ऑफर करेंगे, और हमारी जो शेयर की वैल्यू है जो फेस वैल्यू वो 10 रुपीज है, लेकिन हम उसे 35 रुपीज के साथ उसको ऑफर कर रहे हैं. नंबर 4, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 2 मोर इयर्स. हमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है उसे अभी 2 साल और मेंटेन करके रखना है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ संजोग लिमिटेड एज ऑन 1st April 2012 आफ्टर द अमलगेशंस हैज बीन कैरी आउट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन. तो यहाँ पे फ्रेंड्स, नंबर 1, अमलगेशंस इन द नेचर ऑफ मर्जर, एंड 2, अमलगेशंस इज इन द नेचर ऑफ परचेज. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ मर्जर की, कि जब भी हमारा अमलगेशंस जो है वो मर्जर टाइप का हो या मर्जर का हो तो हमें एग्जांपल कैसे कैलकुलेट करना है. इस मेथड के हमने आगे 2 एग्जांपल कैलकुलेट कर लिए, 14 और 15, और आज आपके लिए मैं 3rd एग्जांपल आपको कैलकुलेट करवा रहा हूँ, क्योंकि विद इन अ वीक हम इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यानी कि इस चैप्टर क्लोज के साथ हमारा यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे. उसके बाद हमारा यूनिट 1 रहेगा वो हम समझेंगे. तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब चलते आगे, हम यहाँ पे कैलकुलेशन पे आते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारी परचेस कंसिडरेशन मीन्स कि हमें परचेस प्राइस फाइंड आउट करनी होगी. तो जैसे हम अपने जो पहले के एग्जांपल थे उसमें जो किया था उसी तरह यहाँ से हम पहले न्यू शेयर कैपिटल है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं जैसे जैसे बोला गया वैसे. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, पहले मैंने नीचे यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करके रखी है तो ताकि आपको समझ में आ जाए. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई न्यू इक्विटी शेयर हमें कितने देने हैं. ओके, जो इक्विटी शेयर्स है वो हमें कितने देने हैं और सब प्रेफरेंस शेयर है. तो हम यहाँ पे सर स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर की. यहाँ पे हमें बोला है प्रेफरेंस शेयर, तो इक्विवेलेंट नंबर यानी कि जो जोगी लिमिटेड है उसकी प्रेफरेंस शेयर 320,000 और ईच है 100, तो 320,000/100 यानी कि 3,200. यहाँ पे एक जीरो बाय मिस्टेक से रहेगा तो प्लीज आप उसको समझ लेना. 320,000/100 इज इक्वल टू 3,200 रुपीज. उसके बाद जो विजोगी लिमिटेड है उसके है 1,75,000, तो 1,75,000/100 इज इक्वल टू 1,750 रुपीज. तो ये जो हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर, तो चलो यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो जोगी और विजोगी, तो जोगी का जो है 3,200 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 3,20,000, और जो विजोगी है 1,750 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 1,75,000 एज इक्विलेंट. ओके, सेम टू सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन शेयर कैपिटल. नाउ प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम, बिकॉज वी ऑफर अवर प्रेफरेंस शेयर्स 25 रुपीज प्रीमियम, सो प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम, तो जोगी 3,200 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 80,000, और विजोगी 1,750 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 43,750 रुपीज. तो ये बात हो गई हमारे प्रेफरेंस शेयर की. अब चलते हैं हम अगले अपने इंफॉर्मेशन पे. तो यहाँ पे बात कर रही है इक्विटी शेयर्स की, तो सबसे पहले हमें न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ फाइंड आउट करने होंगे. तो चलते हैं हम अपने पहले इनको देख लेते हैं कि इनके कितने प्रेफरेंस शेयर्स है. तो यहाँ पे 8,50,000 कैपिटल है और पर शेयर 10 रुपीज का है. यहाँ पे 7,25,000 और 10, तो ओके, तो आप 8,50,000/10 यानी कि 85,000 और 7,25,000/10 यानी कि 72,500 जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे होंगे. तो चलते हैं हम यहाँ पे नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो जोगी लिमिटेड, तो हम उसको यहाँ पे 5 जो ओल्ड इक्विटी शेयर उसके अगेंस्ट हम 3 न्यू इक्विटी शेयर्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं. तो 5 इज इक्वल टू 2, तो व्हेन 85,000 इज क्वेश्चन मार्क, तो 34,000, और विजोगी में हम 10 के सामने 3 इक्विटी शेयर्स ऑफर कर रहे हैं और उसके नंबर ऑफ शेयर्स है 72,500, तो 10 इज इक्वल टू 3, तो 72,500 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो 21,750 रुपीज. यानी कि हम संजोग लिमिटेड के
जो न्यू इक्विटी शेयर है 35 रुपीज के, तो उसमें हम जोगी लिमिटेड को 34,000 और विजोगी को 21,750 जो इक्विटी शेयर है वो हम ऑफर कर रहे हैं। तो चलिए हम उसके यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो जोगी तो 34,000 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 340,000 और विजोगी तो 21,750 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 217,500। अब शेयर प्रीमियम तो 10 रुपीज का शेयर 35, तो 35 माइनस 10 यानी कि 25 रुपीज जो है वो क्या होगा वहां पे प्रीमियम। तो जोगी लिमिटेड का प्रीमियम हम ढूंढ लेते हैं तो 34,000 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 850,000 और विजोगी जो है 21,750 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 543,750। अब इन सब का टोटल कर लेते हैं तो जोगी लिमिटेड का जो टोटल है वो 15,90,000 होगा और विजोगी का होगा 9,80,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनकी जो न्यू शेयर कैपिटल थी वो हमें यहाँ पे मिल गई है, उसको हम उसकी परचेस प्राइस भी बोल सकते हैं। तो चलते हैं अब उसकी दूसरे पड़ाव पे अपने कैलकुलेशन में। तो अब चलते हैं हम, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो परचेस प्राइस थी हमारी जोगी और विजोगी तो 15,90,000 और 9,80,000। ओके, अब उसमें से हम उसके क्या करेंगे, ओल्ड शेयर कैपिटल यहाँ पे हम डिडक्ट कर देते हैं, ओल्ड कैपिटल डिडक्ट कर देंगे। तो चलते यहाँ पे हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो यहाँ पे जोगी के 3,20,000 और विजोगी के 1,75,000 यहाँ पे हमने यहाँ पे वो लिख दी, प्लस उसमें हम ऐड करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल तो 8,50,000 एंड 7,25,000। तो यहाँ पे देखो मैंने ऐड कर दिया, तो इसमें से इन दोनों को डिडक्ट करना है और विजोगी में भी उसकी जो न्यू परचेज प्राइस है न्यू शेयर कैपिटल उसमें से ओल्ड शेयर कैपिटल को डिडक्ट करना है, तब डिफरेंट आएगा 4,20,000 और 80,000। ओके, तो ये जो टोटल आया मींस कि हमारी नई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है। तो अब इन दोनों का टोटल किया 5 लैक्स, तो 4,20,000 प्लस 80,000 यानी कि 5 लैक्स तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इन दोनों का जो डिफरेंट आया, नई में से पुरानी शेयर कैपिटल हमने डिडक्ट कर दी और जो डिफरेंट आया दोनों का, उन दोनों का टोटल करके आंसर आया 5 लैक्स। और ये 5 लैक्स हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, नहीं अगर ना ही हो तो फिर इस वीडियो को एक दो बार फिर से रिपीट करके देख लेना ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सके। अब चलते अपने नेक्स्ट कैलकुलेशन पे, डिबेंचर। तो डिबेंचर में यहाँ पे कहा गया था कि हमें 15% के डिबेंचर इस तरह से देने हैं ताकि जो 12% के डिबेंचर्स थे उनको जो इंटरेस्ट मिल रहा था वही इंटरेस्ट 15% के डिबेंचर वालों को भी मिले। तो ओके, हम यहाँ पे अब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे चलते हम कि जो हमारे पुराने जो डिबेंचर्स थे, ओके क्या थे हमारे पुराने डिबेंचर्स, तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया। तो डिबेंचर्स ओल्ड तो 15,000 12% डिबेंचर्स, ओके 15,28,000 टोटल हो गया मैं 78,000 रुपीस। ओके, कितना हो गया टोटल 78,000। अब उस पे 12% इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 50,000 का 12% रहेगा 6,000 और 28,000 का 12% के मुताबिक उसका जो इंटरेस्ट आएगा 3,360 रुपीस। अब बात करते हैं हम नए डिबेंचर्स को, नए डिबेंचर्स में कितने देने चाहिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं तो 50% न्यू डिबेंचर्स, तो जोगी लिमिटेड तो 15 इज इक्वल टू 100 यानी कि 15 रुपीज अगर इंटरेस्ट हो तो हमारा डिबेंचर्स की वैल्यू होगी 100, तो जब 6,000 अगर इंटरेस्ट हो तो वैल्यू कितनी होगी तो 40,000 रुपीज। ओके, और उसके बाद विजोगी लिमिटेड सेम कैलकुलेशन के 50 इज इक्वल टू 100 तो 3,000
360 रुपीज हो तो क्वेश्चन मतलब 22,400, यानी कि टोटल यहाँ पे देखो 78,000 के थे और हम नए दे रहे 62,400 के प्रेफरेंस से हम यहाँ पे दे रहे। तो 78,000 और 62,000 हमें कितना मुनाफा हुआ, तो वो हुआ 15,600 रुपीज। ओके, तो इसमें से इसको बात करेंगे 78,000 माइनस 62,400 तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो 15,600 रुपीज। दिस इज अवर बेनिफिट। तो इस प्रॉफिट को हम कहां पे ले जाएंगे, बैलेंस शीट पे जनरल रिजर्व में हम उसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमने आगे एक्स्ट्रा एग्जांपल 115 में देखा था इसीलिए। तो अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट संजोग लिमिटेड का, वो भी कैसे, आफ्टर ऑब्लिगेशंस। तो लायबिलिटीज के साइड हम चलते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो ओके, तो 340,000 प्लस 275,000, यानी कि ये यहाँ पे जो हमने लिखा है वही ओके, तो उसका टोटल हो गया यहाँ पे 557,500। उसके बाद शेयर प्रीमियम, तो इन दोनों का टोटल जो भी आया हमारा वो लिख देंगे हम यहाँ पे 1,93,750। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो दोनों का टोटल हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था, ये दोनों का टोटल यहाँ पे हम लिख देते हैं 4,95,000। प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम, तो प्रीमियम हमने दिया था यहाँ पे इन दोनों का टोटल, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 1,23,750। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैलेंस शीट पे देखते हैं, तो 2,40,000 प्लस 1,60,000, तो 2,40,000 प्लस 1,60,000 यानी कि 4 लैक्स। ओके 4 लैक्स, तो अब उसमें से तो यहाँ पे माइनस में आंसर आया, यानी कि हम लॉस में गए। तो जब आप लॉस में जाओ तब क्या करना, तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम उसका यूज करेंगे। अगर हम किसी को पैसे देने चाहते हैं या हमारा रिजर्व जो खत्म हो जाए तो हम प्रॉफिट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को चूज करने का यही कारण है कि अगर आप आपको एग्जाम में इस तरह का एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए तो आप उसका आंसर किस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट था, उसका बैलेंस था यहाँ पे, तो हम इसका यूज करेंगे, तो प्लस 1,70,000। तो अब हमारा लॉस खत्म हो गया और हमारे पास प्लस कितने रहे, 227,000 रुपीस जो है वो हमारे पास अभी यहाँ पे जनरल रिजर्व, यानी कि हमारा प्रॉफिट हो गया। प्लस हमारा डिबेंचर्स की जो वैल्यू थी पहले 78,000 थी, अब उसको हमने रिड्यूस करके कितनी कर दी, 62,400। तो हमें कितना मुनाफा हुआ, तो 15,600 रुपीस का। तो इन दोनों का टोटल, तो हमारा टोटल जो जनरल रिजर्व कितना हो गया, 42,600 रुपीस, वो हमारा अब नया जनरल रिजर्व हो गया बैलेंस। फिर से एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें यहाँ पे जो बैलेंस शीट दिया वो कर दिया, तो उसका टोटल हुआ 4 लैक्स। लेकिन जब हमने यहाँ पे न्यू में से ओल्ड को बात किया तब हमारा डिफरेंस कितना आया, 5 लैक्स दोनों कंपनी का। तो यहाँ पे दोनों, तो यहाँ पे मैंने 4 लाख में 5 लाख को डिडक्ट किया तो माइनस में आंसर आया 1 लैक्स। अब कभी रिजर्व जो है वो माइनस में नहीं होते, तो उसको प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमारे पास दूसरे जो स्ट्रक्चर रिजर्व होते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो स्ट्रक्चर रिजर्व है हम उसका यूज करेंगे, और वो है हमारे यहाँ पे 75,000 प्लस 52,000 यानी कि 1,26,000 दोनों का टोटल। तब हमने वो हमारा लॉस उसको पे कर दिया, तब हमारे पास अब कितने पैसे बाकी रहे, तो 27,000 प्लस। अब उसमें क्या प्लस किया, तो उसमें प्लस किया हमने कि यहाँ पे आप देखो कि पहले हमारे 78,000 के डिबेंचर होल्डर्स थे, अब ने उनको 50% कर दिए, तब कितने हो गए 62,400। तो हमें कितना यहाँ पे मुनाफा हुआ, कितना फायदा हुआ, क्योंकि हमारा जो हमारे जो बोलते हैं जो लायबिलिटीज थी उसकी अमाउंट रिडक्शन हो गया कि पहले में 78,000 देने थे, अब कितने देने हैं, सिर्फ 62,400। तो हमें कितना बेनिफिट हुआ, तो 15,600। तो अब हमारे पास टोटल कितना हो गया जनरल रिजर्व, 42,600 रुपीस। समझाता हूँ इसमें आपको कैसे, कि पहले आपको किसी को 100 रुपीस देने थे ओके, फिर उसने बोला कि भाई तू मेरे को अब सिर्फ, हाँ बोला,
तो पहले हमारा इतना लायबिलिटीज था, आपको किसी को इतने पैसे नहीं थे, और फिर उसकी प्राइस इतनी हो गई, तो आपको कितना बेनिफिट होगा। समझाता हूँ कि आप किसी चीज को ऑनलाइन परचेज करना चाहते, तो आपने देखा तो इसकी प्राइस अभी 78,000 थी, तो आपने परचेज करने को वहां पे एड टू कार्ट करके वहां पे छोड़ दिया। लेकिन जब आपने दोबारा देखा तो उसकी प्राइस इतनी हो गई, 60,400, तुरंत आपने उसको परचेज कर लिया। एक सिंपल एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, तो आपको आपको जो चीज पहले 78,000 में आपको मिल रही थी, वो चीज अब उसके प्राइस रिड्यूस हो गए, कितने हो गए, 60,400। तो आपको कितना बेनिफिट हुआ, आपके कितने पैसे बच गए, तो वो पैसे बच गए यहाँ पे 15,600 रुपीज। तो मेरा टोटल रिजर्व कितना हो गया, 42,600। उसके बाद रिवर्सन रिजर्व, तो रिवर्सन रिजर्व जो यहाँ पे था, रिवर्सन रिजर्व यहाँ पे दोनों का टोटल 2,05,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, 15% डिबेंचर्स। तो यहाँ पे अब न्यू लिख देंगे हम दोनों का टोटल 40,000 प्लस 20,400, यानी कि 60,400। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट 25,000, क्रेडिटर्स 2,20,000, उसके बाद बिल्स पेबल जो थे वो 20,000। ओके फ्रेंड्स, जो बिल्स पेबल था वो कितना हो गया, 20,000। तो यहाँ पे सारे जो थे हमारे वो हो गए। अब इन चलते हम एसेट्स पे, तो एसेट पे कुछ करना है, इसको कॉपी टू पेस्ट कर देना है दोनों का टोटल, ये जितना टोटल होगा उतना ही टोटल यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, तो जो टोटल है इन दोनों का टोटल कर देंगे उतना ही टोटल हमारा आएगा। तो जब हमारा मर्जर टाइप का हो, तब हमारा जो बैलेंस शीट का जो टोटल होगा वो होगा हमारा, देखिए हमारा बोथ साइड का टोटल होगा 32,25,000 रुपीज। आप इसको एक बार कैलकुलेशन में करके भी, कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पे वो इमेज थोड़ी सी मेरे ख्याल से कट हो गई है, तो प्लीज आप उसका टोटल घर पे एक बार फिर से कर लेना। कुछ नहीं है, इन दोनों का टोटल ही करना है, 90 लैक्स प्लस 30,25,000, यानी कि 32,25,000 हो जाएगा यहाँ पे दोनों का टोटल। तो यहाँ पे हमने जो बात की वो बात की आज हमने सिर्फ मर्जर्स, जब हमारा नेचर ऑफ मर्जर हो। अब हम अपने दूसरे कैलकुलेशन पे चलते हैं, तो यहाँ पे हम चलते हैं अभी, अमलगेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेस। तो अब परचेस की तरफ चलते हैं, और परचेस की तरफ चलते हैं हम उसके कैलकुलेशन अब स्टार्ट करते हैं। तो जब परचेस टाइप का हमारा मर्जर अपना अमलगेशन हो, तो हमें एग्जाम्पल कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिख देना है अपनी परचेज प्राइस दोनों कंपनी की, जोगी लिमिटेड और विजोगी लिमिटेड की, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखी हुई है, यहाँ पे हमने वो फाइंड आउट ही कर लिए पहले स्टेप में। अब उसमें से क्या करना है, हमारे नेट एसेट्स जो है उसमें से हमें लाइबिलिटीज को डिडक्ट करना है। और यहाँ पे जो हमारे एसेट्स है उसमें लैंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है, प्लांट मशीन फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट, करंट एसेट, कोई भी फिक्टिस एसेट्स नहीं है। तो आपके लिए वो आसान हो गया, आपको यहाँ पे एसेट्स को एक बार फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका टोटल लिख सकते हो कि एसेट्स 19 लैक्स और 13,25,000 जोगी और विजोगी की हो गई। अब उसमें से हमें लाइब्रेरीज को क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो लाइब्रेरीज को आपको डिडक्ट करना है, तो आपको वहां पे अच्छी तरह से करना होगा काम, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यू डिबेंचर्स वैल्यू लिखनी है। आप पुराने भी लिख सकते हो, पुराने लिखने के बाद आपको फिर वो क्या करना होगा, बाद में आपको जो यहाँ पे जो डिफरेंट आया था हमारा ये प्रॉफिट 50,600, वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो आपको करना ना पड़े इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे उसकी जो न्यू वैल्यू मैंने फाइंड आउट की वही यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो 15 लैक्स जो 15% डिबेंचर्स थे वो 40,000, 22,400। पब्लिक डिपॉजिट 25,000, क्रेडिटर्स 1,45,000 एंड 75,000, बिल्स पेबल 20,000। ओके, तो टोटल नेट जो टोटल हो गया, यानी कि हम यहाँ पे 19 लैक्स में से इन सबको यहाँ पे डिडक्ट कर देते हैं, तब हमारा नेट एसेट्स जो है वो 16,70,000 और 12,27,600 रुपीज होगा। तो अब चलते हम अगले कैलकुलेशन पे, हमारा नेट एसेट मिल गया। तो अब चलते कि हमारी परचेस प्राइस 15,90,000 थी, और जोगी जो है वो 9,80,000 थी, लेकिन नेट एसेट्स हमारी 16,70,000 और 12,27,600, यानी कि नेट एसेट ज्यादा है परचेज प्राइस से, तो डिफरेंस होगा कैपिटल रिजर्व। तो नेट एसेट्स
माइनस परचेज प्राइस, तो 16,70,000 माइनस 15,90,000 यानी कि डिफरेंस आया 80,000, और यहाँ पे 12,27,600 माइनस 9,80,000 तो डिफरेंट आया 2,47,600, इन दोनों का टोटल 3,27,600 यानी कि हमारा हो गया कैपिटल रिजर्व। ओके फ्रेंड्स, अब अगर आप यहाँ पे डिबेंचर्स की ओल्ड वैल्यू लेंगे आप यहाँ पे 28,000 तो भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे भी आंसर नहीं मिलेगा तो आपको उसमें प्लस क्या करना होगा, वो 50,600 आपको ऐड करने होंगे तब आपका आंसर वो मिलेगा। तो यहाँ पे आपका 3,27,600 रुपीज जो है वो आपका कैपिटल रिजर्व हो गया। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की ओर, तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं संजोग लिमिटेड का आफ्टर अमलगेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमने आगे लिखी वही लिख देते, 5,57,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो भी हम वहाँ आगे लिखते वही लिख देते 4,95,000, इक्विटी शेयर प्रीमियम 13,93,750, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम 1,23,750, इन्वेस्टमेंट अलाउंस। तो यहाँ पे हमें कुछ कहा गया है, ओके इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो है वो हम यहाँ पे दोनों का टोटल लिखते 80,000। हमें यहाँ पे क्या कहा गया है, कुछ कहा गया है कि अभी 2 साल के लिए मेंटेन करना है इन्वेस्टमेंट अलाउंस, उसको मेंटेन करना है और कुछ नहीं करना। ओके मैंने आपको बताया था उसको कंटिन्यू करना है न्यू कंपनी में भी, इसलिए उसके बाद डिबेंचर्स तो न्यू वैल्यू 62,400, पब्लिक डिपॉजिट 25,000, क्रेडिटर्स 2,20,000, बिल्स पेबल 20,000 और कैपिटल रिजर्व तो 3,27,600। ओके तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लगेगा सर रिजर्व जनरल रिजर्व क्यों नहीं लिखी आपने, तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस है। ओके तो हमने आगे आपको पता होगा कि हमने आगे उसका यूज कर लिया है इसीलिए, क्योंकि आपने आगे देखा था कि हमने जब यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ पे यूज किया तो वहां पर माइनस आंसर आया था, इसीलिए हमने जो रिजर्व थे वो नहीं लिए। स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो हमने नहीं लिए, क्यों नहीं लिए दोनों कंपनी के, क्योंकि यहाँ पे अगर जोगी विजोगी को परचेज करता, जोगी विजोगी को परचेज करता तो हम यहाँ पे उसके जनरल ओनली फॉर जोगी की इन्वेस्ट जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ पे नोट डाउन करते, लेकिन यहाँ पे न्यू कंपनी हमने स्टार्ट की संजोग, इसीलिए हमने दोनों के जो स्टैट्यूटरी रिजर्व मीन्स के जो फंड्स है रिजर्व से हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। आपने हमने जब हमने आगे एग्जांपल कैलकुलेट की थी 1-13 में तब भी आपको पता होगा कि वहां पे भी हमने रिजर्व्स और फंड्स और प्रॉफिट की जो बैलेंसेस थे वो हमने यहाँ पे नहीं नोट डाउन किए थे। तो आपको भी ये याद रखना है एग्जाम्पल में कि अगर ए बी को टेक ओवर कर रहा है तो ए के यहाँ पे हमें रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाने, लेकिन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो आपको कुछ यहाँ पे रिजर्व्स यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखना। कट टोटल हो जाएगा 33,05,000। अब हम यहाँ पे चलते हैं एसेट्स, तो एसेट्स पे भी हमें यहाँ पे कॉपी टू पेस्ट करना है, जितने भी हमने आगे की बैलेंस शीट में लिखी वही लिखनी है। आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा कितना 80,000 का, तो उसको हमें ट्रांसफर करना है अमलगेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस तरह से आपको आपका ये एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है। मैं आप सबको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि घर पर बैठ के आप इसको 1, 2 या 3 बार आप इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए। और अब हम इस एग्जाम्पल के बाद अब 1 और 2 ही एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर के, और उसके बाद हम अपना जो यूनिट नंबर 3 और 4 इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके घर पे रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद।